क्या गहलोत ही होंगे कांग्रेस के सीएम फेस। सचिन पायलट के सामने अब क्या बचे हैं विकल्प। 2023 के चुनाव में कांग्रेस का क्या है सियासी गणित। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। यह बात इसलिए तय मानी जा रही है क्योंकि 17 मार्च 2023 को कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें कहा गया है कि नई चुनौतियों के लिए तैयार। 2023 से 28 तक राजस्थान में गहलोत फिर। यह वीडियो जारी होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। अगर राजस्थान विधानसभा का चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाता है तो पहला सवाल यही आता है कि अब सचिन पायलट क्या करें। अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार बगावत कर चुके सचिन पायलट पिछले 3 साल से राज्य में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश में, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने भरसक कोशिश की राहुल गांधी उनके नेतृत्व की घोषणा कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अशोक गहलोत ने राजस्थान के सीएम पोस्ट को नाक की लड़ाई बनाकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी सचिन पायलट ने धैर्य नहीं खोया, उनके भरोसे का इंतजार आलाकमान पर करते रहे। अब जब अशोक गहलोत ही चेहरा बनाने की बात तय हो गई है तो सवाल उठता है कि सचिन पायलट के सामने अब क्या विकल्प बचे। अगर हम नजर डालें तो एक बात तो स्पष्ट है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह समझाने में सफल रहे हैं कि वह पायलट के मुकाबले ज्यादा वफादार है। पायलट का बगावत करना उनके लिए ड्रॉबैक साबित हो रहा है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उसमें यही लगता है कि पायलट के सामने गहलोत के खिलाफ खुलकर आने के बजाय कांग्रेस में ही रहकर अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का इंतजार करना है। हालांकि बड़ी चुनौती सचिन पायलट के सामने यह है कि वह आलाकमान का भरोसा जीत सके। चुनाव से पहले बगावती तेवर कम करने होंगे ताकि आलाकमान का भरोसा जीता जा सके, ताकि चुनाव में यदि पार्टी जीत कर आने में सफल होती है तो वह सम्मानजनक पद या जगह हासिल कर सके। सचिन पायलट के सामने कांग्रेस संगठन और आलाकमान से निराश होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली राह पकड़ने का भी एक विकल्प सामने है। वह 1.5 साल पहले भी यह कदम उठाने की कोशिश कर चुके हैं। बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास अपनी नई पार्टी बनाने का विकल्प भी है। वहीं उनके राजनीतिक क्षेत्र यानी दौसा इलाके के कद्दावर बीजेपी नेता सांसद किरोड़ीलाल मीना पायलट को कई बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नसीहत भी दे चुके हैं। आरएलपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी पायलट को आमंत्रण दिया जा चुका है। हनुमान बेनीवाल कई बार पायलट को आवाज बुलंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यदि चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा खड़ा होता है तो पायलट उसमें शामिल भी हो सकते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जयपुर रैली में भी तीसरे मोर्चे की अटकलों को हवा दी गई है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में चेहरे की तलाश में है। यदि ऐसे में पायलट के पास केजरीवाल के पार्टी में जाने का भी विकल्प, हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। एक बात होता है कि कांग्रेस आलाकमान फिलहाल पायलट के मुकाबले गहलोत पर ज्यादा भरोसा जता रही है। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए सच में धड़क।